हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल रंजन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका रियल कन्फेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप अपने रेडमी मोबाइल में मौजूद डिफॉल्ट ऐप लॉक को यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। इसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं वापस अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ गया और यहाँ से मैं सीधा अपना मोबाइल सेटिंग में जाऊँगा। तो मैंने नोटिफिकेशन बार को ऑन किया और मैं यहाँ से सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ। तो कुछ ही स्टेप से हमारा सेटिंग्स ओपन हो गया और मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे आपको देखिए ऐप लॉक दिख रहा होगा। जैसे आप इस पर टैप करेंगे, आपको यहाँ पर पैटर्न लगाना होगा। तो मैंने पैटर्न लगा दिया और यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं ऊपर सेटिंग्स पर मैं दिखाता हूँ। तो जैसे मैं सेटिंग्स पर क्लिक करता हूँ, देखिए ऐप लॉक ऑन है व्हेन डिवाइस इज लॉक। तो आप इसको सेटिंग्स को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, व्हेन डिवाइस इज लॉक और आफ्टर एग्जिस्टिंग ऐप। तो आप ऐसा कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट वगैरह लगा सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, शो पैटर्न भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हिडन पासवर्ड, जो हिडन ऐप्स में जो आप पासवर्ड लगाएंगे वो भी लगा सकते हैं। जैसे आप इस पर ऑन करेंगे, देखिए मैनेज हिडन पासवर्ड आ जाएगा। तो आप इसमें से किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं और उसमें भी पासवर्ड लगा सकते हैं। तो इस टाइप से कस्टमाइज कर दिया। और यहाँ पे देखिए टर्न ऑन पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड टू ओपन ऐप्स। तो इसको ऑन कर दिया, अगर आप जिसको जैसे ऑफ़ कर देंगे ये देखिए ऑफ हो जाएगा और फिर से वापस आ जाएंगे। तो मैं फिर से ऐप्स लॉक की तरफ आता हूँ और मैं यहाँ पे अपना पैटर्न लगाया और मैं अपना पैटर्न सेट कर दिया और नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे MI अकाउंट को ऐड करने के लिए आएगा, तो आप ऐड भी कर सकते हैं। और मैं नॉट नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे नॉट नाउ पे क्लिक कर दिया और मैं इसे फिंगरप्रिंट को कैंसिल करता हूँ। और मैं फिर से ऊपर सेटिंग्स में जाता हूँ और यहाँ पे देखिए ऐप लॉक्स ऑन हो गया है। और मैं यहाँ पे अपना कस्टमाइज चेंज करता हूँ, व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड और आफ्टर एग्जिस्टिंग ऐप। तो यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे देखिए फिंगरप्रिंट को मैं ऑफ़ कर दिया हूँ। आप भी लगा सकते हैं फिंगरप्रिंट, तो आप लगा सकते हैं। जैसे आप इस पर ऑन करेंगे, देखिए नीचे से मैं फिंगरप्रिंट यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो ये देखिए हमारा फिंगरप्रिंट वेरीफाई हो चुका है। अब मैं नीचे यहाँ से आता हूँ और हिडन ऐप्स पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए मैनेज हिडन ऐप्स आप कर सकते हैं। तो आपको किसी भी ऐप को हिडन रखना है तो आप यहां से पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं। तो मैं सीधा बैक हो जाता हूं और ये हमारा सेटिंग कस्टमाइज हो चुका है। अब मैं लगाता हूं किस में, फ्लिपकार्ट में लगाता हूं। तो मैं पहले बैक हो जाता हूं और आपको दिखा देता हूं कि फ्लिपकार्ट में देख लीजिए कोई भी अभी हमारा पासवर्ड लगा हुआ नहीं है। देखिए अभी हमारा फ्लिपकार्ट में कोई पासवर्ड लगा हुआ नहीं है। सेम टाइप से मैं दिखाना चाहता हूँ कि फ़ोनपे पर भी हमारा कोई पासवर्ड लगा हुआ नहीं है। तो देख लीजिए फ़ोनपे पे भी कोई पासवर्ड लगा हुआ नहीं है। सेम टाइप से फ्लिपकार्ट पे भी कोई पासवर्ड लगा हुआ नहीं है। मैं सीधा यहाँ से मैनेज पे जाता हूँ, सेटिंग्स में गया, ऐप्स लॉक में गया, यहाँ से अपना पैटर्न दिया। अभी मैं देखिए फ़ोनपे पे लगा रहा हूँ। फ़ोनपे पे मैंने पासवर्ड ऑन कर दिया है और फ्लिपकार्ट पे भी पासवर्ड ऑन कर लिया है। और आपको याद रखना होगा कि इसके लिए मैंने किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ नहीं किया है, ये Redmi का बाय डिफ़ॉल्ट ऐप लॉक है। तो यहाँ से ऑन हो गया है। अब आप नीचे से यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से फ़ोनपे पे ऑन हो गया है और फ्लिपकार्ट पे भी ऑन हो गया है। ये देखिए फ्लिपकार्ट पे भी ऑन हो गया है। मैं सीधा बैक हो जाता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं आपको फ़ोनपे ऑन करके दिखाता हूँ कि इसमें पासवर्ड लगा है कि नहीं लगा है। जैसे मैं फ़ोनपे पे टैप कर रहा हूँ, देखिए इस टाइप से आ जाएगा और ये देखिए हमारा पासवर्ड मांग रहा है। तो मैंने पैटर्न दिया और ये हमारा फ़ोनपे ऑन हो गया। सेम टाइप से आपको फ्लिपकार्ट पे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, यहाँ पे भी पासवर्ड लग चुका है और जैसे मैं अपना पैटर्न दिया ये ऑन हो चुका है। तो आप याद रखिए कि बिना किसी भी एप्लीकेशन के, यानी कि बिना किसी ऐप लॉक के, आप MI में आप अपना डिफ़ॉल्ट लॉक जो है, MI का जो डिफ़ॉल्ट ऐप लॉक होता है, आप उसे यूज कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ बेल आइकन को प्रेस, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलता हूँ एक नया वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।